नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीधी आए हुए हैं। सीधी में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है राम मंदिर, राम जानकी मंदिर। तो आज हम लोग मंदिर प्रांगण में जाके वहाँ का दर्शन करेंगे और आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आप लोग आएँ और यहाँ दर्शन करें। यहाँ का यात्रा और दिशा कैसे कहाँ से आना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बृहद रूप से बताएंगे। आइए चलते हैं मंदिर के प्रांगण की ओर। ये सीधी पटवारा मार्ग है, इसी मार्ग में चलते हुए सीधी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। आइए। हाँ तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं मंदिर के गेट के सामने। ये सीधा रास्ता पटपरा निकल जाता है और ये ठीक राम जानकी पैलेस के सामने, ये मंदिर का मुख्य द्वार है। अब हम मुख्य द्वार से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, हम मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। ये मंदिर प्रांगण में चारों तरफ बिल्कुल शांतिमय हरियाली है और चारों तरफ बिल्कुल शांत वातावरण और बहुत ही मनमोहक दृश्य है। ये देखिए, ये रास्ता जो है, ये मुख्य मार्ग है जो मुख्य मार्ग से जोड़ता हुआ मंदिर प्रांगण तक आया हुआ है। ये मंदिर की यज्ञशाला है, यज्ञशाला बड़ा ही मार्मिक है। आइए अब चलते हैं मंदिर की ओर, आइए चलते हैं मंदिर प्रांगण में के अंदर भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। नए मंगलोत्सव हो रहे हैं, प्रसंग को आज हम लोग यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। मंदिर की परिक्रमा करते हुए बड़ी ही मार्मिक और सुंदर छवि, मनमोहक छवि भगवान श्री राम जानकी की थी। और ये मंदिर प्रांगण में भगवान प्रभु श्री राम और माँ जानकी की परिक्रमा करते हुए हम और हमारे सहयोगी श्री पाड़े जी इस भव्य मंदिर में पूरी व्यवस्था है और बड़े ही संत समागम है। बहुत ही अच्छा वो है, यहाँ पे बड़ा शांति महसूस होता है मन को। यहाँ पे लोगों को आना चाहिए। ये यहाँ पे भोजनालय, सीता रसोई, कुठार भंडार, सदगुरु निवास, हर एक चीज़ विधिवत रूप से बना हुआ है। यहाँ पे भक्तजनों के लिए भोजनालय की व्यवस्था है, ठहरने का उत्तम स्थान है।
मंदिर प्रांगण में हमारे महाराज हुए हैं, और ये जो है तो इस प्रांगण के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे जो हमें और आपको मालूम होना आवश्यक है। तो ये बताइए महाराज, ये कब से मंदिर बना हुआ है और श्रद्धालु किस प्रकार कैसे आते हैं? ये श्रद्धा मंडला चालू हो गया था बहुत सारा, जब हमारे सरकार जी थे जी तब से यह मंदिर था जी जी, लेकिन जो बहरा भाई महाराज जी थे जी वो चले गए, अभी जो है श्रद्धा मंडला जब जाई जी हैं जी जी, अभी यहाँ भी हैं जी। महाराज जी का शुभ नाम क्या है? ये रहते सतनाम रहते हैं जी, यहाँ गांव है सतनाम है जी जी, इनका नाम है। तो महाराज जी बता रहे हैं कि सतना में रहते हैं जी, और सतना से ही यहाँ पे जो है तो पूजा पाठ और संत समागम का काम करते हैं, और यहीं से जो श्रद्धालु आते हैं उनका कष्ट समस्या सुनते हैं, और भगवान श्री राम और माँ जगत जननी की कृपा से भक्तों का कष्ट दूर होता है। ठीक है महाराज, धन्यवाद। में मंदिर के बाहरी हिस्से में यहाँ के जो साधु समाज हैं, संत समाज हैं, उन्होंने पशुओं के लिए चारा का और अपने लिए सब्जी के लिए बागवानी की भी व्यवस्था बनाए हुए हैं। हाँ तो दोस्तों, ये था सीधी का राम मंदिर। अगर आप सीधी आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आइए, ये यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही मार्मिक, और यहाँ आने पर बहुत शांति की अनुभूति होती है। ये कहा जाता है कि यहाँ आने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हमारा चैनल है द क्लियर आर्यन, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से कराइए। धन्यवाद।